अस्सलाम वालेकुम, मैं हुजूर करनैन अहमद। मिरर ऑफ डेज़ के ज़रिए पेश किए जा रहे एक मिनट की मदरसे में आपका इस्तकबाल है। आज का सबक है सबक नंबर 62। तर्जुमा असकार नमाज। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाह के कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा। अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह का तर्जुमा हुआ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नमाज की सुन्नतें। औरतों के लिए दोनों पैर के टखने बिल्कुल मिला दे, सजदे में पाँव के खड़े ना करे बल्कि दाहिनी तरफ निकाल दे, खूब सिमट कर और दब कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से और बाजू दोनों पहलुओं से मिला दे। बड़े बड़े गुनाह जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, और एक गुनाह भी ऊपर से नीचे गिरा देने यानी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, मगर अल्लाह ताला जिस पर फजल फरमाए। लड़कियों को मीरास का हिस्सा ना देना, अल्लाह ताला का कोई फ़र्ज़ जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ देना, किसी मुसलमान को बेईमान, काफिर, खुदा का दुश्मन कहना। गुनाह के नुकसान जो दुनिया में पेश आते हैं। गुनाहगार शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत में दाखिल हो जाता है क्योंकि आपने बहुत से गुनाहों पर लानत फरमाई है। मसलन कौम लूत का अमल करने वाले पर, तस्वीर बनाने वाले पर, चोर पर और साहबा को बुरा कहने वाले पर, वगैरह वगैरह। अगर गुनाह पर कोई और सज़ा ना भी होती तो क्या ये थोड़ा नुकसान है कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत में ये शख्स आ गया। गुनाहगार आदमी फरिश्तों की दुआ से महरूम हो जाता है क्योंकि फरिश्ते उन मोमिनीन के लिए दुआएं मगफरत करते हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। बस जिसने गुनाह करके वो राह छोड़ दी, वो इस दौलत का कोई कहां मुस्तहिक रहा। तरह तरह की खराबियां गुनाहों की नौसत से ज़मीन में पैदा होती है। पानी, हवा, गल्ला, फल नाकिस हो जाता है। तात के फ़ायदे जो दुनिया में मिलते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से हुकूमत व सल्तनत बाकी रहती है। बाज़ माली इबादत से अल्लाह ताला का गुस्सा बुझता है और बुरी हालत पर मौत नहीं आती। हदीस पाक में कि सदका परवरदिगार के गुस्से को बुझाता है और बुरी मौत से बचाता है। दुआ से बला टलती है और नेकी करने से उम्र बढ़ती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।